बेहद इंपॉर्टेंट सेक्शन है, दो सेक्शंस की बात करने वाले हैं। सेक्शन नंबर है 326 एंड सेक्शन नंबर 327 ऑफ वाइंडिंग अप, राइट। बेहद ध्यान से, सेक्शन नंबर 326 बात करता है ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट की, राइट। हम बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 326, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 326 या 327 पे एग्जाम में 5 मार्क्स का वेटेज होता है। चले शुरू करें हम, सेक्शन नंबर कौन सा हमारे पास 326। सेक्शन नंबर 326 की हेडिंग है ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट, राइट। हमको क्या करना है साहब, ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट का जिक्र करना है, बहुत ध्यान से। दो तरह के चार्ट्स हैं हमारे पास। सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये बोला गया है सर्टेन डेट्स टू बी पेड इन प्रायोरिटी ऑफ ऑल अदर डेट्स। इसका मतलब ये है वाइंडिंग अप के टाइम पर मैंने असेट्स कंपनी की थी उसको मैंने सेल करा, उससे मुझे कुछ पैसा मिला। लॉ ने बोला है उस पैसे से आपको सबसे पहले कौन से वाले डेट का अमाउंट पे करना है, वो जो मेंशन है सेक्शन नंबर 326 में, राइट। बहुत ध्यान से, जो सेक्शन नंबर 326 में मेंशन है वो वाला आपको अमाउंट सबसे पहले पे करना है, भले ही बाद में किसी का भी अमाउंट हो वो बाद में 327 में आएगा, या बाद में और किसी का पेमेंट हो तो वो सबसीक्वेंस बाद में। सबसे पहले असेट्स सेल करने के बाद 30 डेज के अंदर आपको पेमेंट जो करना है वो पेमेंट करना है 326 में जो डेट है, और दो तरह के डेट हैं। इन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी द फॉलोइंग डेट शैल बी पेड इन प्रायोरिटी टू ऑल अदर डेट। लॉ ने बोला है भले कोई भी अमाउंट कंपनी को पे करना हो सबसे पहले इनका अमाउंट पे होगा। फर्स्ट पॉइंट है वर्कमैन का ड्यूज है। वर्कमैन ड्यूज इन रिलेशन टू द कंपनी मीन्स द एग्रीगेट ऑफ द बिलो सम। और वर्कमैन ड्यूज में 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट, ये चारों पॉइंट का अमाउंट मिलाकर क्या हुआ आपका वर्कमैन ड्यूज। फर्स्ट पॉइंट क्या क्या शामिल है, ऑल वेजेस सैलरीज इंक्लूडिंग टाइम या पीस रेट वर्कर। आप टाइम रेट वर्कर है, टाइम मतलब आपको आर के हिसाब से पेमेंट मिलता है, पीस रेट वर्कर है मतलब आपको पर आइटम के हिसाब से पेमेंट मिलता है। लॉ ने बोला कैसे भी पेमेंट मिलता हो, ओनली कंपनसेशन पेबल टू एनी वर्कमैन अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट 1947, वो अमाउंट आपका यहाँ पर कवर होगा। ऑल अक्रूड हॉलीडे रेमोनेशन पेबल टू एनी वर्कमैन, वो यहाँ पर शामिल होगा। ऑल अमाउंट ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कंपनसेशन और लाइबिलिटी फॉर कंपनसेशन अंडर द सेड एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डेथ और डिसेबलमेंट। अगर कोई डेथ हो गई है किसी वर्कर्स की या डिसेबलमेंट हो गया वर्कर का तो आपको अमाउंट मिलेगा प्रायोरिटी में। ऑल सम ड्यू टू एनी वर्कमैन फ्रॉम द प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी फंड, एनी अदर फंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्कमैन मेंटेन्ड बाय द कंपनी। तो ये चारों का चारों अमाउंट कहाँ पर आएगा आपका वर्कमैन ड्यूज में। सेकेंड, क्लेम ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर, राइट। आपको सिक्योर्ड क्रेडिटर का यहाँ पर पेमेंट करना है आपको बी वाले पॉइंट में। अब ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल मतलब आपको दो तरह का पेमेंट करना है, एक पेमेंट करना है वर्कमैन ड्यूज का और एक पेमेंट करना है क्लेम ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का, राइट। अब काम की पॉइंट कौन सा हमारे पास, से फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज़ वर्कमैन को देना है एंड 50,000 रुपीज़ हमें सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को देना है, राइट। हमारे पास जो अमाउंट इन्वॉल्व है वो है 1,20,000। असेट्स को सेल करी और असेट सेल करने के बाद हमारे पास अमाउंट कितना आया 1,20,000, पेमेंट कितना करना है हमको 1,50,000 रुपये, राइट। ध्यान से, अब क्या होगा, या फिर फर्स्ट सिचुएशन ऐसी भी थी कि भाई हमारे पास अमाउंट 1,50,000 रुपये अवेलेबल है, 1,50,000 रुपये का पेमेंट करना है, पूरा का पूरा 1,50,000, 1,00,000 वर्कमैन ड्यूज को दे दिए, 50,000 रुपये उनको दे दिए आपके, हमारा काम खत्म, एक पॉइंट, राइट। और एक और ऑप्शन क्या है आपका साहब, हमारे पास अमाउंट जो इन्वॉल्व है वो अमाउंट इन्वॉल्व है 1,20,000, अमाउंट पे कितना करना है हमको सब 1,50,000 रुपये। तो लॉ ने बोला फिर प्रोपोर्शनेट अमाउंट जाने वाला है। सेक्शन नंबर कौन सा हमारे पास 326 में, फर्स्ट चार्ट, और 326 में बोल रहा है कि जो भी अमाउंट पे करना है वो 30 डेज में पे करना है, जब से आपने एसेट्स को सेल किया है तब से 30 डेज में पे करना है। द फॉलोइंग सम विच आर पेबल, कौन कौन सा है, ऑल वेजेस सैलरीज इंक्लूडिंग, भले वो टाइम रेटेड हो पीस रेटेड हो, या ऑल अक्रूड हॉलीडे रेमोनेशन पेबल बाय द वर्कमैन, आपको इनको 30 दिन में पेमेंट करना है।
द फॉलोइंग सम विच आर पेबल फॉर अ पीरियड ऑफ टू ईयर प्रिसीडिंग द वाइंडिंग अप ऑर्डर. आज वाइंडिंग अप चालू हुआ, आज से प्रीवियस टू ईयर्स में पेमेंट नहीं दिया था, तो आपको वो वाला पेमेंट 30 डेज में वर्कमैन को देना पड़ेगा सैलरी या अक्रूड रेमुनेशन जो है उनका. बहुत ध्यान से, शैल बी पेड इन प्रायोरिटी टू ऑल अदर डेट इंक्लूडिंग सिक्योर डेट विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ सेल ऑफ असेट्स. सेक्शन 326 शैल नॉट अप्लाई इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन अंडर द आईबीसी. आईबीसी में अगर हो रहा है लिक्विडेशन तो उसके हिसाब से वहाँ पर जो तरीका है फिर वैसे पेमेंट होने वाला है. चल फिर हमारे पास सेक्शन नंबर 327 और ये बात करता है प्रेफरेंशियल पेमेंट की. क्या बोल रहा है वो, सर्टेन डेट टर्म एज अ प्रेफरेंशियल पेमेंट इन अ वाइंडिंग अप फॉलोइंग डेट शैल बी पेड इन प्रायोरिटी टू ऑल अदर डेट. कितने पॉइंट है हमारे पास, 5 तरह के पॉइंट हैं. फर्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट के टैक्सेस जो हैं, ऑल रेवेन्यू टैक्सेस सेस ड्यू विद इन 12 मंथ इमीडिएटली बिफोर द रेलिवेंट डेट्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी इन केस ऑफ कंपनी बींग वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल. और रेलिवेंट डेट क्या है, मीन्स द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोविजनल लिक्विडेटर. अपॉइंट हो गया अच्छी बात है, नहीं अपॉइंट हुआ तो फिर रेलिवेंट डेट क्या होगी, मेरी डेट ऑफ वाइंडिंग अप. राइट, यहाँ पर हमने रेलिवेंट डेट का जिक्र करा तो नीचे रेलिवेंट डेट को हमने बताया कि रेलिवेंट डेट क्या होती है. जब से अपॉइंटमेंट हो गया प्रोविजनल लिक्विडेटर का, वो डेट हमारे लिए क्या होगी, रेलिवेंट डेट. नहीं हुआ अपॉइंट तो जो वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास किया था जिस ट्रिब्यूनल ने जिस तारीख को, वो डेट मेरी क्या होगी, रेलिवेंट डेट. एक पॉइंट, इनका पेमेंट करना है आपको तो जो 12 महीने के टैक्सेस ड्यू हैं वो पेमेंट करना पड़ेगा. All wages and salaries or commission due to an employee for a period of पिछले 12 महीने में से 4 मंथ के जो wages हैं वो आपको पे करना पड़ेगा. बराबर है, relevant date winding up आज से स्टार्ट हो रहा है साहब. 2019 के जो आपके डेट हैं 12 महीने में, वो भी सिर्फ कितने मंथ के पे करना है, 4 मंथ्स के पे करना है. All accrued holiday remuneration become payable to an employee or in case of debt to any other person, वो शामिल है. All amount due in respect of contribution payable under ESI Act during the preceding 12 month before the relevant date, वो शामिल है. In respect of any contribution under Workmen Compensation Act 1923, वो शामिल है. The expenses of investigation, भले वो 213 में हो ट्रिब्यूनल के द्वारा इन एनी अदर केस में, या ओनरशिप के रिस्पेक्ट में, अरे भाई सेक्शन नंबर 213 बात करता है इन्वेस्टिगेशन बाय ट्रिब्यूनल इन ऑल अदर केसेस, और 216 बात करता है ओनरशिप के रिस्पेक्ट में इन्वेस्टिगेशन होना है. तो लॉ ने बोला इन दोनों के जो खर्चे हैं वो आपको इसमें से सेट ऑफ करने हैं. फ्रॉम PF प्रोविडेंट फंड ग्रेचुटी फंड मेंटेन बाय द कंपनी, वो आपको अमाउंट देना है. राइट, आगे द डेट पेबल शैल रैंक इक्वली अमंग देमसेल्फ. मतलब ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है कि भाई पहले टैक्सेस दो फिर ये देना फिर वो देना, ना. जितना अमाउंट अवेलेबल है जितने लोगों को देना है उसको प्रोपोर्चुनेटली बांटना है. द डेट पेबल अंडर दिस सेक्शन शैल हैव प्रायोरिटी ओवर द क्लेम ऑफ डिबेंचर होल्डर्स. पहले इनको देना है 327 वालों को, बाद में डिबेंचर होल्डर वालों को देना है. अगर कोई फ्लोटिंग चार्ज अगर क्रिएट कर रखा तो. एम्प्लॉय में कौन शामिल नहीं है, वर्कमैन. वर्कमैन 326 में आता है. द प्रोविजन ऑफ 327 शैल अप्लाई सब्जेक्ट टू, पहले 326 का पेमेंट करो, पैसा बचा रहा तो फिर 327 पे पेमेंट करना है. अगर 326 का पेमेंट करा पूरा ख़त्म हो गया या कम पड़ गया तो 327 की तरफ आपको जाना ही नहीं है पेमेंट के रिस्पेक्ट में. 327 शैल नॉट अप्लाई इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन अंडर द आईबीसी कोड 2016. राइट, बहुत ध्यान से. तो ये हमारे पास सेक्शन नंबर कौन कौन सा हुआ यार, सेक्शन नंबर 326 एंड सेक्शन नंबर 327 की बात हमने की है.